7.5 घंटे की ये फ़्लाइट थी। कुछ ख़ास बात है, मैं जानबूझ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि इस तरह के डिलेज में आपके राइट्स क्या हैं ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। मैं गया, मैंने कहा मेरी फ़्लाइट डिलेड है, कंफर्म किया पहले, उन्होंने कहा हाँ डिलेड है। कितने घंटे? 4 घंटे। आप कुछ वाउचर देंगे? उन्होंने कहा हम आपको मील वाउचर देंगे। उसने कहा कि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी ही है, बाकी आपको पैसा खुद देना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उसको भी बताना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन, वो बिना इन्फॉर्मेशन के वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। ये इतने टाइम से यहाँ पर हैं एयरपोर्ट पर, इंडियंस बहुत कम आते हैं और उसके पीछे रीज़न ये, इनको जानकारी नहीं होती इस बात की। मैं हूँ इस वक्त फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जर्मनी में। टर्की वाली सीरीज़ को रुके हुए वैसे तो थोड़ा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब मैं उसको थोड़ा और रोक रहा हूँ क्योंकि पिछले 2 हफ्तों में मैं घूम रहा था और इस वजह से वीडियोस एडिट नहीं कर पाया टर्की वाले, और क्योंकि घूम रहा था तो कुछ नए वीडियोज़ भी बनाए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो नए वीडियोज़ बनाए हैं उनको एडिट करके पहले डालूँ। तो अब से मैं शुरू करूंगा नए वीडियोस। क्या आने वाला है ये बता देता हूँ। जर्मनी से मैं जाऊंगा दिल्ली, और दिल्ली से मैं ट्रैवल करूंगा एक नई डेस्टिनेशन पर जिसके बारे में आपको इंस्टाग्राम से जानकारी तो खैर मिली गई होगी, पर अगर नहीं है तो जनाब वहाँ जाइए आप एक नया देश एक्सप्लोर करके। मैं एक्चुअली वापस आ रहा हूँ इस वक्त, अपने घर वापस जा रहा हूँ बर्लिन 15-20 दिनों के बाद में। अब आप मुझे सफ़र करते हुए देखेंगे। बर्लिन से दिल्ली जाऊंगा मैं लॉट पॉलिश जो एयरलाइन है उससे ट्रैवल करते हुए आप मुझे देखेंगे। बीच में लेओवर था वॉर्सॉ में, और फिर दिल्ली से मेरा जो अगला सफ़र शुरू होता है एक नए देश के लिए वो आने वाले वीडियोज़ में। बर्लिन एयरपोर्ट, सुबह के 9:30 बज रहे हैं। पिछले करीब 20 मिनट से खड़ा हूँ मैं इस लाइन में, सिर्फ दो काउंटर्स खुले हुए हैं यहाँ पर। लॉर्ड पॉलिश से मेरे इस सफ़र की शुरुआत होनी है, पहली बार मैं ट्रैवल करने वाला हूँ लॉर्ड के साथ। मैं जा रहा हूँ वॉर्सो, पोलैंड की कैपिटल। वॉर्सो को बोलते हैं ये लोग वार्शाओ। साढ़े 12 हो रहे हैं और पहुंच चुका हूं मैं और वर्षा पोलैंड की कैपिटल, और अभी भी मुझे मैसेज मिला कि मेरी जो अगली फ्लाइट है वो है 3 घंटे ले, 3.5-4 घंटे का डिले है। सुबह जो 3 बजे फ्लाइट पहुंचने की दिल्ली वो पहुंचेगी 6:00 बजे। जब मैं हवा में था, जब मैं लैंड हो रहा था इस एयरपोर्ट पर, तो मुझे एक मैसेज आया और उसमें लिखा था कि फ़्लाइट 4 घंटे डिलेड हो गई है आपकी। जो सुबह 2 बजे पहुंच रही थी दिल्ली वो अब 6:00 बजे पहुंचेगी। तो बड़ी खुशी की बात है, मैं सुबह मतलब एक ऑड आवर्स में नहीं पहुंच रहा हूं, अच्छी बात ये है। अब 4 घंटे का जो डिले यहां पर है उसको कैसे बिताया जाए? कुछ ख़ास बात है, मैं जानबूझ के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि इस तरह के डिलेज में आपके राइट्स क्या हैं ये पता होना बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता था कि ज़्यादा डिले होने पर एयरलाइंस आपको बहुत सारे
कॉम्पेंसेशंस देती हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से डील करते हैं उनके साथ हद में रहकर। मैं गया, मैंने कहा मेरी फ़्लाइट डिलेड है, कंफर्म किया पहले, उन्होंने कहा हाँ डिलेड है। कितने घंटे? 4 घंटे। तो दोपहर बज रहे हैं, दोपहर के 1 बज रहे हैं, 3 बजे जानी थी, अब शाम 7 बजे जाएगी, तो मैं तब तक क्या करूँगा? आप कुछ वाउचर देंगे? उन्होंने कहा हम आपको मील वाउचर देंगे, कुछ देर बाद देते मगर मैं आपको दे देती हूँ। मैंने कहा जी दे दो। तो उन्होंने एक मील वाउचर दिया है, हालांकि मील वाउचर्स के साथ कई बार बड़ी कंडीशंस अप्लाइड वाली चीज़ें होती हैं। कतर में मेरे साथ हुआ था ऐसा, एक बार मील वाउचर लेकर गया, डिले था काफ़ी ज़्यादा, कोविड के टाइम की बात है, और दुकान पे गया, दुकान समझें आप, और उसने कहा कि इसकी वैल्यू सिर्फ इतनी ही है, बाकी आपको पैसा खुद देना पड़ेगा। तो मैंने पूछा इनसे कि कोई वैल्यू है, तो वो जो मोहतरमा थी वो अंग्रेज़ी का ज्ञान उनको बहुत ज़्यादा था नहीं, मतलब इस तरह की जितने भी ये रेस्टोरेंट्स और ये जो कैफ़ेज़ और चीज़ें हैं यहाँ पर, हर जगह पर वो मील वाउचर वैलिड है, ऐसा उन मोहतरमा ने मुझे बताया था। अभी अभी पीछे एक रेस्टोरेंट था, उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा जी इस वाउचर की वैल्यू है 10 यूरो, 10 यूरो मतलब करीब करीब 800-900 रुपये के आसपास, 40 यहाँ की लोकल करेंसी जो भी है, 40 पोलिश करेंसी, ये इसकी वैल्यू है। यहाँ इस एयरपोर्ट पे मुझे मिले गुजराती लोग जो यहाँ काम करते हैं, और एक हमारे दोस्त मिले, दोस्त मतलब दोस्त बन गए वो। मैंने कहा दोस्त यहाँ ना मुझे मिला एक वाउचर और इसकी कीमत है ये बताओ कहीं वेजिटेरियन ऐसा खाना मिले जैसे पेट भर जाए। उन्होंने कहा यहाँ जाओ आप, बाकी कहानी बताता हूँ, मेरा नंबर आ गया है। ये बजना चालू हो गया है, यानी मुझे बुलाया जा रहा है कि आपका ऑर्डर रेडी है। उस पर छोटा सा एक टाउन है पोलैंड का, वहाँ आया था, ये सेकंड टाइम है एक तरीके से। हिंदी में बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सामने एक जनाब हैं, उनसे तो मैं मिलवाता हूँ, चलो पहले मिलवाता हूँ मैं। हाय, ये जनाब हैं मितुल। मितुल गुजरात से है ना आप? मैं गुजरात से हूँ। क्या, और कौन सी जगह से? गुजरात में जूनागढ़ सौराष्ट्र काठियावाड़ बोलते हैं। हम लोग मिले कैसे? मैंने बताया था अभी कि अभी मुझे गुजराती भाई मिले, और उनको मैंने बताया कि मेरी फ़्लाइट डिले हो गई है, और उसके बाद मैंने उनको वाउचर दिखाया, तो उन्होंने मेरी हेल्प की कि कुछ ऐसा 40 क्या बोलते हैं आप यहाँ पर, ज्लॉटी 40 ज्लॉटी देकर मैं कुछ और ख़रीद सकता था, लेकिन मैंने ये ख़रीदा। तो ये क्रेडिट जाता है जनाब मितुल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप पोलिश अच्छी खासी बोलते हैं ना? मैं पोलिश बोलता हूँ। ओके, 5 साल से हैं आप यहाँ? 5 साल। इतनी बात हो गई है हमारी। मेरा सौभाग्य है कि आपको मिला। ये मेरा सौभाग्य है, आपकी वजह से मैं ये खा पा रहा हूँ। आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए। तो एक्चुअली मैं अब निकल रहा था, जाते जाते अब हम बाई करने के लिए आए थे, तो अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत सीखा। क्या सीखा आप? बहुत सीखने का मिला। सीरियसली? यस। ऐसा क्या सीखा? जैसे आप पानी का बोतल नहीं खरीदते हो, अपने साथ ही रखते हो। अच्छा, वो कह रहे हैं। ओके ओके, हमारी बात बस अचानक ही हम मिले। आपने भी एक इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि आपने सिर्फ इसलिए मेरी हेल्प की क्योंकि मैं इंडिया से था, पर आपका मन किया हेल्प करने का। तो आप सबकी हेल्प करते हैं, आपने ऐसा कहा था। आप क्यों हेल्प करना चाहते हैं उनकी? अभी एक एग्जांपल दूँ, ये भैया ने 2-3 लोगों को बताया का वाउचर के बारे में। हाँ, ऐसे हम लोगों को जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उसको भी बताना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन, वो बिना इन्फॉर्मेशन के वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। जब हमको पता है कि ऐसा हो रहा है तो हम दूसरों को भी बोले कि भी सभी को पता चले और सभी उसका फ़ायदा। मितुल भाई ने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जब लोग फ्लाइट डिले वगैरह हो जाती है एयरपोर्ट पर, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना पैसेंजर्स, वो अपना वाउचर लेके आ जाते हैं, लेकिन ये वो पैसेंजर्स होते हैं जो यूजुअली यूरोप से या अमेरिका वगैरह से होते हैं, उनको ही जानकारी होती है। लेकिन मितुल भाई ये बता रहे हैं कि ये इतने टाइम से यहाँ पर हैं एयरपोर्ट पर, इंडियंस बहुत कम आते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये, इनको जानकारी नहीं होती इस बात की, तो ये लोगों की हेल्प करते हैं ऐसे बताने में, उनको असिस्ट करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप ऐसा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गले मिल सकता हूँ? हाँ मिल सकते हैं, क्यों नहीं। थैंक यू चलो, थैंक्स, फिर आओ, गुड लक, मिलते हैं। मैं परसों आया तो डेफिनेटली मिलूँगा। आप बर्लिन आएंगे तो अब इंस्टाग्राम आपके पास में है, आप मुझे मैसेज करिएगा। अभी करते हैं तब, करिए आप, हम दोनों कनेक्ट करेंगे।
जो फूड वाउचर्स वगैरह होते हैं डिले होने पर, वो आप यहाँ पहुँच जाइए इस तरह के काउंटर्स पे, इन लोगों से बात करिए और मांगिए उनसे, ये शायद खुद ना दें आपको, खुद देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और उनको थैंक यू ज़रूर बोलना सोशल मीडिया पर भी, और लोगों को बताना ताकि लोग उस एयरलाइन से ट्रैवल करें जो खुद ये देते हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो मांगना ज़रूर, मांगना पड़ता है आजकल, बट मांगना कहाँ पर है, इस तरह के काउंटर्स पे। बर्लिन से मेरा सफ़र शुरू हुआ था दिल्ली का, लेकिन बीच में पड़ा पोलैंड, वॉर्सॉ। बर्लिन से वॉर्सॉ तक का जो सफ़र था ये था शेंगेन के अंदर ही अंदर, कंट्री दो अलग अलग ज़रूर हैं लेकिन शेंगेन का हिस्सा है, इसलिए मुझे इमिग्रेशन से नहीं गुजरना पड़ा था बर्लिन में। शेंगेन जोन में छोड़ रहा हूँ यहाँ से, तो इसलिए मेरा इमिग्रेशन होगा अब यहाँ से, तो जहाँ से मैं शेंगेन छोड़ूंगा वहाँ मेरा होगा इमिग्रेशन, ना कि जहाँ से मैंने यात्रा शुरू की थी शेंगेन में। ये अक्सर बड़े कन्फ्यूजिंग सवाल होते हैं, आज एग्जाम्पल मैंने अपना दिया, शायद याद रहेगा आपको। ये मेरे पीछे हैं सारे इमिग्रेशन वाला एरिया, इमिग्रेशन मैंने क्लियर कर लिया है। पहली बार मुझे मेरा पासपोर्ट देखा और उन्होंने स्टैंप नहीं लगाया, मैंने कहा स्टैंप क्यों नहीं लगा रहे, मैं तो शेंगेन से बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा क्योंकि रेजिडेंट परमिट आपके पास में है तो हम स्टैंप नहीं लगाते हैं, आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आते तो हम स्टैंप लगाते, मतलब एग्जिट स्टैंप लगाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अब ये समझ में आ गया, ज़िंदगी में मेरे साथ ये पहली बार हुआ, लेकिन आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो आपकी एग्जिट स्टैंप लगेगी शेंगेन से बाहर जाने पर। तो ये ड्रीम लाइनर है, अभी तक मैं एयर इंडिया के ड्रीम लाइनर को एक्सपीरियंस करता था, आज करेंगे, इसके शीशे सारे खाली हो जाते हैं, खैर आज तो रात में ट्रैवल करना है। चार्जिंग पॉइंट अंडर द सीट, सीट के नीचे तो है ही, बाकी सीट पर वो जो स्क्रीन के साथ में यूएसबी पोर्ट लगे हुए हैं। सफ़र शुरू हो चुका था, कुछ देर बाद मैंने काम करने के लिए अपना लैपटॉप निकाला, लैपटॉप को जैसे ही ट्रे टेबल पर रखना चाहा वो फिसल कर नीचे गिरने लगा, मैंने संभाला लेकिन संभालने के चक्कर में लैपटॉप में थोड़ा नुकसान हो ही गया, पता चला कि ट्रे टेबल एक जगह से टूटी हुई थी। अब इसके बारे में जैसे ही कैबिन क्रू को इन्फॉर्म करने के लिए एयर होस्टेस को बुलाया, वो आती हैं और आकर सबसे पहले उन्होंने सॉरी कहा, और सॉरी कहकर वो जाने लगी। मैंने कहा मैडम ऐसे तो काम नहीं चलेगा सॉरी करने से, क्योंकि मुझे काम करना है, आप अब खाना जो सर्व करेंगी वो भी खाना है, ट्रे टेबल के बिना कैसे काम होगा। और क्योंकि सफ़र लंबा था मैंने विंडो सीट को जानबूझ के चुना था, सर टिका के आराम से सोया जा सके। ये बात जब उनको बताई तो उनको थोड़ी समझ में आई और उन्होंने कहा कि मैं देखती हूँ कोई विंडो सीट कहीं मिल सके। कुछ देर बाद वो आती हैं, उन्होंने कहा कि कोई विंडो सीट खाली नहीं है, और फिर से सॉरी कहकर जाने लगी। मैंने उनको इस बार इंसिस्ट किया कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, और क्योंकि मैंने देखा था इससे पहले भी एयरलाइंस इस तरह के केसेस में पैसेंजर्स की कन्वीनियंस के लिए, ख़ास तौर पे इतने लंबे सफ़र पर मैंने लोगों की सीट्स को अपग्रेड होते हुए देखा है, इस बार मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा कि प्रीमियम इकॉनमी में बीच की एक सीट खाली है। तो प्रीमियम इकॉनमी में उन्होंने मुझे एक सीट दे दी थी, तो इस तरीके से पूरा ये जो मेरा सफ़र था ये एक बीच की सीट पर मेरा गुजरा। प्रीमियम इकॉनमी का एक्सपीरियंस भी कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं था, क्योंकि इकॉनमी की जो सीट्स होती हैं उनमें जो आर्म रेस्ट होता है उसको आप ऊपर उठाकर, अगर बाकी की दो सीट्स खाली हों तो आप उन तीनों सीट पर आराम से सो सकते हैं, यहाँ प्रीमियम इकॉनमी में पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो ट्रे टेबल है वो बीच में लगाई जाती है। तो लॉर्ड पॉलिश के इस एयरक्राफ्ट की प्रीमियम इकॉनमी में तीनों सीट्स का यूज़ कर पाना सोने के लिए, लेट कर सोने के लिए इम्पॉसिबल था। हालांकि खाना मुझे इकॉनमी वाला ही दिया गया, जो मुझे थोड़ा बीच बीच में डिस्क्रिमिनेटरी भी लग रहा था, क्योंकि एयर होस्टेस बाकी सभी पैसेंजर्स को कुछ ना कुछ आकर पूछ रही थी, दे रही थी, लेकिन अकेला एक मैं पैसेंजर था जो जैसे कुछ नहीं पूछा जा रहा था, थोड़ा मुझे फ़ील हो रहा था, जो शायद हो सकता किसी और को फील ना हो, ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स थी जो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रहा हूँ।
खैर, दिल्ली आने से कुछ देर पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी, सर में काफ़ी दर्द था। एयर हॉस्टेस को जब मैंने कहा तो एक एयर हॉस्टेस थी, उन्होंने मेरे लिए नींबू पानी बनाया जिससे मुझे थोड़ा फ़ायदा भी हुआ था। लॉट पॉलिश के साथ मेरा जो पहला सफ़र था, दूसरा सफ़र था, वो हो गया ख़त्म। दिल्ली पहुंच चुके हैं, 6 बज रहे हैं इंडियन टाइम, 7.5 घंटे की ये फ़्लाइट थी। तो अब मैं बाहर निकलता हूँ। मुझे एक्चुअली जो वो एयर होस्टेस हैं उनको थैंक यू बोलना था ऑफिशियली ऑन द कैमरा। आई एक्चुअली वॉन्ट टू से यू थैंक यू ऑन द कैमरा। आई एम ए यूट्यूबर, कैन आई से यू थैंक यू ऑन द कैमरा? इज इट ओके? ऑलराइट। सो इट्स वेरी डार्क हियर, so thank you so much because you took care of me so well. I was not feeling good, so thank you so much for that. Thank you. Namaste. Thank you very much. And how do I say you thank you? I again forgot that in Polish. Dziękuję. Dziękuję. And enjoy your stay in Delhi. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. एक बात जरूर है कि खिड़की खाली थी, ये मुझे दे सकते थे, इन लोगों ने नहीं दी। दो लोग थे जिन लोगों ने अपना काम यहाँ ठीक से नहीं किया। एक वो जिसने जो मेंटेनेंस स्टाफ होता होगा ट्रे टेबल टूटी हुई छोड़ दी, और दूसरा शायद कैबिन क्रू के जो इंचार्ज होती होंगी या जो भी था, उन्होंने उनको पता थी कि मेरी सिचुएशन क्या है, उसके बावजूद खाली होते हुए भी उन्होंने जो जगह नहीं दी वो थोड़ा चटपटा था। लेकिन ये जो लेडी थी उन्होंने सारी जितनी भी गड़बड़ थी उन सबको ठीक कर दिया फाइनली। सो थैंक यू वेरी मच लॉट पॉलिश की, खास तौर पे इन एयर हॉस्टल्स को, मैं तो उनका नाम ही नहीं पूछ सका। अरे मगर मैं दिल्ली आ चुका हूँ हाय, ये तो मैंने भूल ही गया था। 7 महीने बाद ज़िंदगी में पहली बार इतने दिनों तक अपने देश से, अपने घर से दूर रहा। और फाइनली 6 महीने के बाद ये देखने को मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। खास बात ये है कि मेरा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, शुरू हुआ था कल सुबह, यहाँ तो पहुँच गया हूँ। अभी तक आपको यही लग रहा होगा कि मैं अपने घर आया हूँ, पर ऐसा नहीं है। ये बेसिकली बीच में एक पड़ाव है, यहाँ से कुछ दिनों के बाद मुझे जाना है कहीं और। कहाँ जाना है ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, लेकिन हाँ मैं यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए आया हूँ, वो अगले सफ़र के लिए है। उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा लेने वाला, तो लेंगे अगले वीडियो।